हेलो हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं आपका यूट्यूब पर स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर अली अनवर कुरैशी और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ कंसल्टेंट में। और बहुत दिन हो गए यूट्यूब पर कोई वीडियो मैंने नहीं बनाया है। थोड़े से मैं थोड़ा सा विजिट पे था, एक वैकेशन पे था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सका। लेकिन दोस्तों, यहाँ से अब रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, रॉन्ग ट्रीटमेंट हु इज रिस्पॉन्सिबल। मतलब रॉन्ग ट्रीटमेंट मतलब क्या है? रॉन्ग ट्रीटमेंट मतलब गलत चिकित्सा या गलत उपचार के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? कौन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ओके। फार्मासिस्ट भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ओके। पेशेंट भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। कैसे? हम इसके बारे में इस वीडियो में बातें करेंगे। सबसे पहले तो आई वॉन्ट टू आस्क यू वन फेवर। इफ़ यू स्टिल नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ़ यू स्टार्ट द वीडियो ऑन द राइट साइड, देर इज अ सब्सक्राइब बटन विच इज़ इन द रेड कलर, जस्ट प्रेस दैट बटन, ओके। हिंदी में बोलूँगा कि अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो स्टार्ट करने के बाद राइट साइड में रेड कलर का एक सब्सक्राइब लिखा हुआ रहता है, उसको प्रेस कीजिए। आप सब्सक्राइब हो जाएंगे और मेरे साथ आप जुड़ जाएंगे। आगे चल के इन द फ्यूचर मैं जो भी अपडेट्स वीडियो आपको डालूँगा, यूट्यूब पर अपलोड करूँगा, उसको आप देखेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा और बहुत नॉलेज मिलेगा आपको। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक टुडे, रॉन्ग ट्रीटमेंट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि रॉन्ग ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, और उसके पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वो डॉक्टर्स को पुराने दौर में भगवान कहा जाता था। आज के दौर में भी कुछ कुछ लोग कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग आज के दौर में कहते हैं कि डॉक्टर ये जो है लूटने का धंधा चालू किया है, या डॉक्टरों ने आज हर तरफ से पैसा कमाने का, या फॉल्स ट्रीट फॉल्स वे से आज डॉक्टर्स का जो है नेगेटिविटी फैल रही है। लेकिन पुराने दौर में जो डॉक्टर्स को भगवान कहा जाता है, आज भी कुछ लोग कहते हैं, तो ये समय पहले कहूँगा कि डॉक्टर जो है भगवान नहीं है, डॉक्टर एक साधारण इंसान है। डॉक्टर के पास कोई डिवाइन पावर नहीं है। डॉक्टर एक सिर्फ एक बंदा है जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और किताबें पढ़ लिया है, और उसके पास एक कुछ नॉलेज है, और वो सिम्टम वाइज ट्रीटमेंट देता है ऑनली। बाकी डॉक्टर जो है उसको कोई भगवान की उपाधि देना ये गलत है। आप अगर डॉक्टर को एक हाँ डॉक्टर को आप दर्जा दे सकते हैं, रिस्पेक्ट करो डॉक्टर की, डॉक्टर को गाली मत दो, डॉक्टर को मारो मत, डॉक्टर के पास से अगर कुछ डॉक्टर को अपशब्द मत कहो, ठीक है, डॉक्टर जो बोले वो कीजिए। तो ऐसी बात है, डॉक्टर जो है एक सादा इंसान है, वो जो कहता है उस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपका फायदा होगा। रॉन्ग ट्रीटमेंट हु इज रिस्पॉन्सिबल, गलत ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? तो डॉक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है, पेशेंट भी रिस्पॉन्सिबल है, फार्मासिस्ट भी रिस्पॉन्सिबल है। सब में पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर रॉन्ग ट्रीटमेंट मेरे हिसाब से पेशेंट है। कैसा? नंबर वन, अगर समझो आप किसी फिजिशियन के पास गए हैं पेशेंट को लेकर, या खुद को दिखाने, आपको फीवर है, कफ है, चिल्स है, फिजिशियन ने आपको एडवाइस किया है कि आपने जो है ब्लड टेस्ट करना है, एक्सरे कराना है, यूएसजी कराना है, आप बताएंगे कि सर यू प्लीज़ गिव अस 3 डेज टैबलेट मेडिसिंस आफ्टरवर्ड, इफ द सिम्टम्स नॉट सबसाइड्स वी विल डू द इन्वेस्टिगेशन। तो आप जैसा बताते हैं हमको वैसा सुनना पड़ता है। आप बताते हैं कि हमें 3 दिन की टैबलेट दे दो, अगर उसमें कम नहीं हुआ तो फिर हम टेस्ट करेंगे। लेकिन होता ये है दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, कि आप 3 दिन का ट्रीटमेंट लेते हैं और आप जो है घर को चले जाते हैं, गोली खाते हैं, कम नहीं होता, सिम्टम्स रिसाइड नहीं होते, सबसाइड नहीं होते, तो आप ये डॉक्टर को छोड़ते हैं, ये ओपीडी छोड़ते हैं, और इसके अगले डोर स्टेप के ओपीडी पे आप चले जाते हैं। वो बोलेगा नो 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 नो, ट्रीटमेंट ठीक नहीं है, अब जो है मैं जो ट्रीटमेंट देता हूँ वो करा लो। वहाँ पे भी सेम शेड्यूल चलता है,
वहाँ पे भी वो इफ़ ही एडवाइज इट्स गुड और नॉट एडवाइज वो भी टैबलेट देता है, कुछ स्टैंडर्ड मेडिसिन बदलता है, इधर उधर करता है, आप वो लेकर और चले जाते हैं और आप वो ट्रीटमेंट करते हैं, फिर भी कम नहीं होता, आप दूसरा डॉक्टर छोड़ते हैं, तीसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तो आप बढ़ते 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 एक्यूट स्टेज में चले जाते हैं। लेकिन याद कीजिए दोस्तों, पहले डॉक्टर ने आपको क्या बोला था कि आप ब्लड टेस्ट करा लो, एक्सरे करा लो, यूएसजी करा लो, कुछ ना कुछ समझ में आएगा। सो द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिस्टेक आपकी यहाँ होती है, अगर अपने डॉक्टर ने आपको कहा है कि आप टेस्ट करा लो तो करा लो, इसमें डॉक्टर का कोई फायदा नहीं है, गलती से भी ऐसा मत सोचो। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डॉक्टर आपको अगर आपको समझो कोई तकलीफ़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे दो पेशेंट्स के इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आया था, आई वॉज इन आई सी यू, तो उस टाइम पर एक पेशेंट आया मेरे पास, ही वॉज़ हैविंग लेफ्ट चेस्ट पेन, डामेज साइड में उसको तकलीफ़ हो रही थी। मैंने उसका ECG काढ़ा, ECG काढ़ने के बाद उसे मैंने एडवाइस किया कि यू बेटर गेट एडमिट बिकॉज यू आर हैविंग सम टाइप ऑफ एंजाइनल चेंजेस। उसको एंजाइनल चेंजेस थे, मतलब हार्ट अटैक के जैसे चेंजेस जिसमें ECG में रहते हैं वैसे चेंजेस उसके ECG में दिखे। बट उसने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे जो है नॉमिनल पेन हो रहा है, इट माइट बी ड्यू टू एसिडिटी, ये जो है पेशेंट के वर्ड्स थे, तो आप मुझे टैबलेट दे दीजिए, मेरे को कुछ घर पे काम है, मैं कल आऊँगा। तो वी डिड द सेम थिंग एज द पेशेंट एडवाइज अस, बट हमने एक काम किया कि उसके पास से हमने कंसेंट लिख कर लिया कि ये तेरी मर्जी से, ऑन हिज ओन विल ही इज गोइंग टू होम आफ्टर वॉट इज कमिंग टू मॉर्गन। तो हमने उसके पास से कंसेंट लिख कर लिया, एक पेपर पे उसकी साइन ली और उसको मेडिसिन देकर छोड़ दिया, एंटी एंजाइनल मेडिसिन देकर छोड़ दिया। आफ्टरवर्ड इन द मॉर्निंग हमें सुबह को पता चला कि वो एक्सपायर हो चुका है। दोस्तों देखिए, अपने छोटी सी गलती की वजह से आप एक्सपायर होते हैं, आपको बहुत बड़ा जुर्माना देना पड़ता है। तो उसके रिलेटिव्स ने वो ECG लेकर किसी डॉक्टर के पास गए, तो वो डॉक्टर हमारे इंस्टीट्यूट के ऊपर चिल्लाने लगा कि हु वॉज दैट फुलिश डॉक्टर, हु वॉज दैट इनकम्प्लीट नॉलेज डॉक्टर, कौन था वो डॉक्टर जो बदतमीज डॉक्टर, बेवकूफ़ डॉक्टर, जिसको इतना भी समझ में नहीं आया कि हार्ट अटैक के चेंजेस हैं। हाउ कैन वी, वो बड़ा इंस्टीट्यूट है वो, हाउ कैन ही डू सो, पेशेंट को टैबलेट्स देकर छोड़ सकते हैं। लेकिन उस महाशय को ये पता नहीं था कि हमने उस पेशेंट को पहले ही सब समझा दिया था, कंसेंट लिया था। आफ्टरवर्ड ही कॉल टू आवर इंस्टीट्यूट एंड ही गॉट एन आंसर फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट दैट वी हैव कंसल्ट पेशेंट अबाउट ऑल आवर हिज कंडीशन एंड वी हैव रिक्वेस्टेड हिम टू एडमिट इन आवर हॉस्पिटल दैट वी विल गो फॉर ब्लड टेस्ट एंड अदर टेस्ट टू रूल आउट द अटैक। सो अब उसके बाद वो बंदे ने हमें सॉरी कहा, जो भी डॉक्टर था उसने सॉरी कहा, ओके इट्स फॉल्ट ऑफ डॉक्टर, इट इज़ अ फॉल्ट ऑफ पेशेंट। ठीक है, मेरा एक थर्ड पेशेंट था जिसमें मैंने उसको कहा कि मुझे अस्थमा है, तो वो बोलता मुझे खाली कफ है, आप मुझे कफ सिरप दो। तो ठीक है, मैं बोला लेकर जा कफ सिरप। आफ्टरवर्ड वो मुझे पूछता है कि कफ सिरप पे खांसी कम होगी क्या? मैं बोला खांसी तो कफ सिरप पे नहीं कम होगी क्योंकि तुझे अस्थमा है, तो अच्छी से अच्छी खांसी की बोतल दो, ऐसा ये पेशेंट का रिक्वेस्ट था। तो इट इज़ अ फॉल्स ट्रीटमेंट। ठीक है, यहाँ पे पेशेंट की गलती थी। तो कभी कभी फार्मासिस्ट भी जो है प्रिस्क्रिप्शन पे जो ट्रीट टैबलेट है वो नहीं देकर गलत टैबलेट्स दे देते हैं, इट्स बाय मिस्टेक। तो इट्स अ लेकिन डॉक्टर्स की कभी ज़्यादा मिस्टेक नहीं रहती है, पेशेंट अपने दिमाग से काट ले। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे साथ आप बने रहिए, मैं आपको अलग अलग विषयों पर रोज़ रोज़ अपडेट देता रहूँगा। मैं आपका डॉक्टर दोस्त डॉक्टर अली अनवर कुरैशी, कुछ भी अगर आपको जानना है समझना है तो जस्ट कमेंट कीजिए कि ये टॉपिक पे हमें जानना है समझना है। मैं आगे आगे डॉक्टर्स फॉल्ट, पेशेंट्स फॉल्ट, फिजिशियंस फार्मासिस्ट फॉल्ट, इंस्टीट्यूट फॉल्ट, ICU, OPD, टैबलेट, इसके ऊपर बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।